पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के निर्देशन ने यह साबित कर दिया है कि जनपद कासगंज में जुआ और सट्टा का नाम भी नजर नहीं आएगा। इसी के तहत थाना साहबर इंस्पेक्टर रविंद्र बहादुर सिंह ने मैं पुलिस टीम के 11 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 11,500 रुपए नकदी सहित जुआ संबंधी उपकरण भी बरामद किए हैं। आपको बताते चलें, थाना साहबर के तेज तर्रार इंस्पेक्टर रविंद्र बहादुर सिंह, कांस्टेबल रामवीर सिंह और राजेश तोमर ने मुखबिर की सूचना पर गांव अबूपुरा के बाग में छापेमारी कर वहां से लल्ला मियां, अब्बू हसन, कल्लू हरिसेवक, हासिम मानपाल निवासी झंडा मोहल्ला साहबर और अब्दुल हसन गिरीश चंद्र अजमत नासिम निवासी गांव खतौली थाना साहबर को हार जीत की बाजी लगाते दबोच लिया है। अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के निर्देश पर चल रहे अभियान में थाना साहबर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 11 जुहारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 11,500 रुपए की नकदी सहित जुआ संबंधी उपकरण भी बरामद किए हैं। वही पुलिस ने जुआ के फड़ से 11,500 की नकदी सहित जुआ संबंधी उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। देखिए, ये है अवैध सट्टा, अवैध जुआ, जिसके लिए खास कर बदनाम रहा है। पिछले 4 महीने से मेरा अभियान चल रहा है इसके खिलाफ, और मैं लगभग सफल हूँ कह सकता हूँ कि कासगंज से सट्टा और जुआ नेस्तनाबूद हो चुका है। छिटपुट घटनाएं आती रहती हैं। इसी क्रम में आज अबूपुरा गांव है साहबर थाने में, वहां से 11 व्यक्ति पकड़े गए हैं जुआ खेलते हुए, जिनके कब्जे से 11,500 रुपए फंड पे बरामद हुए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इन सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मैदानी कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया है कि अवैध सट्टा और अवैध जुआ में कासगंज बदनाम है। 4 माह से चले लगातार अभियान में कासगंज से सट्टा जुआ निस्ताबूत हो चुका है। बहुत जल्दी ऐसे छोटे अड्डे भी जर से खत्म कर दिए जाएंगे। जो जुआ का अड्डा है वो गांव अबूपुरा के पास बाग में संचालित हो रहा था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए 11 जुहारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें, जुआ है वो सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने का मुख्य स्थान है। चोरी और भी आपराधिक जो घटनाएं होती हैं वो जुआ से ही जन्म लेती हैं। सामाजिक अपराधों का जो मुख्य बढ़ावा देने वाला है वो जुआ और सट्टा हुआ करते हैं। यह टाइम सेफ्टी न्यूज आपके लिए पूरी जानकारी दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने 11 जुहारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कासगंज से टाइम सेफ्टी न्यूज के लिए रोहतास कुमार।